अगर उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती हो और उस भर्ती को यूपी ट्रिपल एससी कराए, और अगर ये हो कि यूपी ट्रिपल एससी अपनी भर्ती में क्या खास देती है या ऐसा इस भर्ती में क्या होता है, तो एक बात यूपी ट्रिपल एससी के लिए कही जाती है कि यूपी ट्रिपल एससी चौंका देती है। मतलब अब कोई भी इसका पेपर उठा के देखो, कोई पेपर तो आपका ऐसा लगेगा अरे वाह ये तो एकदम बिल्कुल हलवा है, ये तो मेरे लिए बना था, मैंने क्यों नहीं दिया। अक्सर कभी आप कोई पेपर आपका छूट जाता है, लेट पहुंचते हो, आपका मन नहीं होता देने का, वो पेपर इतना आसान आ जाता है, ऐसा लगेगा वो माय गॉड ये तो मेरे लिए बना था केवल। वहीं कभी कभी वो ऐसा प्रश्न भी दे देती है कि एसएससी वेसएससी ये सब तो उसके कभी कभी यूपी पीसीएस तक उसके करीब नहीं पहुंच पाती। तब दिमाग में आता है व्यक्ति के कि भाई अगर मतलब यूपी ट्रिपल एससी के लिए मेरे बारे में सोचना है, ये चौंकाने वाली चीज है। आप कितनी अच्छी तैयारी करके जाओ, कुछ मत छोड़ो सिलेबस का, फिर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जिनमें आपको एकदम ये लगेगा अरे साला मैं हुई क्यों यहां पे, मतलब मुझे तो कुछ नहीं आता, ऐसा महसूस होगा आपको। 2018 से अगर आप इसको देखोगे, 2018 में जो भर्ती हुई हो, 2019 में वीडियो आया था, 2018 में कुवाई थी युवा विकास अधिकारी, वो बड़ा इजी था, ऐसा लगेगा युवा विकास अधिकारी तो केवल मेरे लिए है। नहीं कब आई कब गई किसका हुआ कुछ नहीं पता, आपके आस पड़ोस भी कोई नहीं होगा जो युवा विकास अधिकारी लगा हुआ, युवा कल्याण वगैरह नहीं था वो, खेल कुछ करके जो था लगाया, तो तुम्हारे आसपास नहीं लगा हुआ, मेरे भी नहीं लगा, मुझसे वो छूट गया था, पहले मेरा मन नहीं था, तब तक एग्जामपुर नहीं था, मैं घर पे ही था। तो अब जब फर्स्ट शिफ्ट हो गई तो मुझे आगरा था मेरा, मुझे किसी ने बताया कि पेपर बड़ा इजी है, मैं बोला इजी है अच्छा, अब मुझ में ना उस समय गाड़ी वाड़ी कुछ थी, नरेंद्र सर हमारे एक मित्र उनके पास गया मोटरसाइकिल लेके, उन्हें वो मुझे अपनी कार से लेकर गई, बहुत तेज चलाई हमने, लेकिन नसीब देखो कॉलेज आगरा पार करो शाहजहां अकबर और मेरे ससरे उधर अन्नाथ के सन्नाथ जाके, वहां ऐसी ऐसी गली, गूगल ने भी काम करना मैप ने भी काम करना बंद कर दिया, 15 मिनट बाद पहुंचा मैं, खूब हंगामा करने की कोशिश की लेकिन फिर क्या होता है छूट गया वो, सेकंड शिफ्ट में था, गया कब था जब पता चला बड़ा हल्का है, पहली शिफ्ट का जो मेरे पास वो आ गया, वो क्या बोलते उसे क्या भाई पहली शिफ्ट वो हल्की है, मैं दूसरी तौर बहुत ही हल्की थी जो बात है, लेकिन अब छूट गया तो छूट गया। फिर आपका वीडियो आता है, जूनियर असिस्टेंट आता है, लोअर पीसीएस प्री आता है, फिर लोअर पीसीएस मेंस आता है, तब समझ आती है ट्रिपल एससी अच्छा भी देती है पेपर, चौका देती है, लेखपाल का पुराना देख लो चौका देगी, पैट का उतना वो नहीं आया था, पैट में 65-70 सबके आ जाने थे अच्छे पढ़े लिखे वालों के, लेकिन पिछले पैट में उतना टाइम नहीं मिला था, पहली बार हो रहा था, इस बार टाइम है पहले से बता के चल रखा है कि 18 सितंबर 2022 ये इसकी एग्जाम डेट है टेंटेटिव संभावित, तो हो सकता है कि चौंकाने का काम कुछ ना कुछ करे, पहली बार हुआ था तो उतना उसको नहीं लिया, लेकिन पैट तो एक प्रारंभिक परीक्षा है, पैट केवल एक प्रारंभिक है, इसमें जो असली जड़ है वो तो इससे आधारित जो मुख्य परीक्षा होती है, जैसे भी पुराने पैट से आधारित लेखपाल की हो रही है, आपको देखना आपको चौंका देगा, तैयारी खूब करके जा रहे हो ना, लेखपाल का पेपर चौंका देगा एकदम, होश खाफ्ता से कर देगा, अगर तैयारी सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज खूब डीपली जाके नहीं की होगी। इसी तरह पूर्ति निरीक्षक, आप ये पेपर को भी देख रहा, आपको लगेगा कि सच में हमें तो बहुत कम आता है, अगर मतलब उस लेवल से आप तैयारी नहीं कर रहे होगे, बेशक दिखा केवल दिखाने वाले से कर रहे हो, सीरियस गंभीरता से कर रहे हो तो कोई इश्यू ही नहीं, फिर तो फाइनल है, या यूडी एलडी वाला जो है या इसके अलावा जो भी अन्य आएंगे, तो यूपी ट्रिपल एससी थोड़ा सा चौंकाने के लिए, मैथ में भी चौंकाएगी, इस बार तो आपके मुख्य परीक्षा के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज कर देती है, या आपको हिंदी में भी थोड़ा सा चौंका देती है, इसी तरह चौंकाने का कार्य जीके में सबसे ज्यादा करती है, रीजनिंग बहुत बढ़िया होती है अच्छे लेवल की, पेट में उतना नहीं होता, पेट एक नॉर्मल लेवल का पेपर है, और पेट में आपके अच्छे मार्क्स आने भी चाहिए, 70+ तो आपको रखनी चाहिए अगर आप आगे की मुख्य परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं। अभी जैसे लेखपाल का आया था तो देखा कि 62-64 इस तरह से, अब जब पूर्ति निरीक्षक का आएगा तब देखना कितना होता है,
पूर्त निरीक्षक में तो वैकेंसी क्षेत्र के करीब है। तो कहने का अर्थ क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट में थोड़ा सा जो अभी रिसेंटली 3-4 साल में यूपी ट्रिपल एससी ने पेपर कराए 3-4 साल में, उन पर थोड़ा सा विशेष गौर करना चाहे, क्योंकि मैं तो इसमें 4-5 मार्क्स कहे वो तो इतना इश्यू क्रिएट आपको नहीं करेगा। जो ये स्टेटिस्टिक्स वाला पोर्शन हुआ हिंदी के गद्यांश, ये भी आसानी से कर लोगे। इतिहास आपको 6 लेवल से करना होगा, बाकी तो छोटे छोटे ही हैं, कम कम नंबर के ही हैं। करंट अफेयर जीए, ये पोर्शन ही आपका मिला के 50 हो जाता है। उधर हिंदी को जोड़ लो और ये आपका स्टेटिस्टिक्स टेबल वाला, तो 70-80 तो बिल्कुल ठोक के सही कर ही सकते हो चुनौती के साथ, सिलेबस को देखते हुए। बाकी ज्यादा अंदर भी अनाथ के सनात नहीं जाना चाहते, लेकिन एक दिक्कत है कि केवल अगर यहीं पे रुकना होता तो ठीक था, असल लक्ष्य ये होता है। इसी की तैयारी होगी तो ये भी आराम से निकलेगा, बहुत अच्छे नंबरों से निकलेगा। अलग करोगे कि एक बार प्री हो जाए, पैट में आ जाए, फिर करूंगा मुख्य परीक्षा की, तो फिर तो वो तो यही है कि आपका पहले से ध्येय नहीं था। ये तो केवल प्रारंभिक है, इस पर आधारित अच्छे नंबर लाओगे तब मुख्य है। अच्छे नंबर तभी आ पाएंगे जब आपकी मुख्य लेवल की ही तैयारी होगी, नहीं तो फिर वही 50-55 आधे, और वो भी अच्छी तैयारी पे भी आएंगे 50-55। गंभीर तैयारी पे आप 65-70 क्रॉस करोगे, अच्छे गंभीर तैयारी पर, नहीं तो अंडर 60 रहोगे। और बुरी तैयारी होगी तो अंडर 50, और बुरी होगी 0 भी आएंगे जब सारे गलत करके आओगे। तो थोड़ा सा पेट को मुख्य परीक्षा, जो भी उसके सिलेबस, जो भी उसका टॉपिक है, एक एक को मुख्य परीक्षा में ढालकर, और करंट और जो जीके जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है उसको मेरे भाई, उसको इतना हलवा मत समझो, वो चौंकाने वाले कार्य होते हैं उसमें, उसको भी जोड़कर 360 डिग्री खूब डीपली पढ़ना पड़े। पढ़ लोगे पहले तो पेपर अच्छा चला जाएगा, ये तो पेपर के बाद में आएगा यार साला ये भी मुझे पढ़ के आना चाहिए था, ये भी मुझे अच्छे से करके आना चाहिए था। मेरे साथ बहुत बार हुआ, खूब अच्छे से पढ़ के गया, पूछ दूसरा लिया उसी में से, अब मैं मुंह देख रहा हूं अपना और खुद को ही सोच रहा हूं यार ये मेरे साथ क्या खेला हो गया, इवन लोअर पीसीएस के मेंस तक में। तो अब सब लोग आयोडाइज नमक पढ़ के जाते हैं साइंस में, उससे अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया, कई क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा लोअर पीसीएस के। तो जो 3-4 साल में यूपी ट्रिपल एससी ने अलग अलग एग्जाम लिए हैं भाई, उनका पेपर पैटर्न चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी हो, जरूर पढ़ो। हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है सदाबहार, बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट, लेकिन बाकी में बहुत, क्योंकि फिर भी अगर 5-6 भी क्वेश्चन इधर उधर करें हिंदी में तो भी क्या, बाकी से तो कर ही आओगे ना, व्याकरण क्या बदल देगा। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है जीके के, मैथ के, रीजनिंग के, वहां दिक्कत जरूर करेगा। उसे 10-12 क्वेश्चन मैथ के हिले ही नहीं थे क्योंकि वो टॉपिक थे सिलेबस में, मैं करके नहीं गया। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर आपको गौर करने की जरूरत है, खासकर यूपी ट्रिपल एससी के लिए। हमारा सहयोग आपके साथ पूरा, सुबह 6 बजे करंट की क्लास, चाहे बच्चे कितने कम आए, उसका लेवल कंटेंट इस क्वालिटी का होता है कि 60-70% जीके आप वहां से कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस करंट जीके सब मिला के। अगर 100 प्रश्न आ रहे हैं तो मैं 50-60 प्रश्न वनडे में वहां से दिखा सकता हूं, 50 आ रहे हैं तो मैं 25+ दिखा सकता हूं, ये है। और रिसेंट 3-4 महीने के में तो आप उसको कतई में छोड़िए। फिर सुबह के लिए हमने कंबाइंड, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन